हम इस मॉड्यूल में अपने रिसर्च प्रपोजल वाली गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल पे बात करेंगे, यानी एक रिसर्च प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट है जो आप तैयार कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के कितने हिस्से होते हैं और हर हिस्से में कौन सी चीजें आपको लिखनी है। अगर मैं इसको बहुत जनरल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं कहूंगा रिसर्च प्रपोजल में तीन बड़े हिस्से लिखे जा सकते हैं या लिखने चाहिए। उसके पहला हिस्सा वो है जिसमें आप अपने सिलेक्टेड टॉपिक की वजाहत करते हैं, उसका रैशनल बयान करते हैं और उससे मुतल्लिक लिटरेचर रिव्यू जो है वो लोगों तक पेश करते हैं जी। उसके बाद दूसरे हिस्से में रिसर्च के डिजाइन की और उसकी मेथोडोलॉजी की गुफ्तगू आती है। रिसर्च का डिजाइन और मेथोडोलॉजी आप लोगों को समझा लें तो फिर आप इसके बाद समझाते हैं कि आप इस रिसर्च का वर्क प्लान क्या है, टाइमलाइन क्या है, अगर इसके अंदर कोई फाइनेंसेस इन्वॉल्व है तो वो फाइनेंसेस आपको कहां से मिलने हैं। ये तीन बड़े हिस्से होते हैं, उनमें से सबसे पहला हिस्सा जिसको आप रैशनल एंड लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, इसके पांच बड़े कंपोनेंट्स हैं जी। एक तो ऑब्वियस है, टाइटल ऑफ स्टडी है, और ये टाइटल ऑफ स्टडी कैसे लिखना चाहिए ये बात अब मैं यहां दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि आपके कोर्स के बिल्कुल आगाज में जब हमने रिसर्च टॉपिक की सिलेक्शन पे गुफ्तगू की तो हम तफसीलन इस पे बात कर चुके हैं, लिहाजा इस मॉड्यूल में मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको वो बात सुननी है, अपने जेहन में रिवाइज करनी है, तो आप मुतलका मॉड्यूल को जाके सुन सकते हैं। टाइटल ऑफ स्टडी होगा, उसके बाद इसका पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का है जिसको आप रैशनल भी कह सकते हैं। पहले एक डेढ़ सफे में हम ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है और इस टॉपिक पे रिसर्च करना क्यों जरूरी है, ये उसका इंट्रोडक्शन का सेशन है जिसमें बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट वगैरह बयान किया जाता है, और ये एक डेढ़ सफे से ज्यादा की चीज नहीं होता। इसके आगे जहां आपका रैशनल खत्म हो तो इवेंचुअल चीज पढ़ने के बाद आगे जो बनती है वो रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम आप स्टेट करते हैं और ये बेसिकली आपके रिसर्च टाइटल की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, और रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आप उसमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस लिखते हैं। हर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट उससे मुतल्लिक रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस लिखे जाते हैं। हाइपोथेसिस सिर्फ वहां लिखने होते हैं जहां आपके क्वेश्चन की नेचर इन्फ्रेंशियल होती है, जहां आपके नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी ऑब्जेक्टिव आपका डिस्क्रिप्टिव नौइयत का है तो उससे मुतल्लिक रिसर्च क्वेश्चन बना दें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्फ्रेंशियल नेचर का है तो आप उसके लिए हाइपोथेसिस स्टेट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव वन से मुतल्लिक जितने भी रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस होंगे उनके नंबर 1.1, 1.2, 1.3, ऑब्जेक्टिव टू वालों के नंबरिंग आप 2.1, 2.2, 2.3 इस सूरत में करते हैं ताकि पढ़ने वाला समझ सके कौन से ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। और जब आप ये मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आप इसके बाद एक सेक्शन ऐड करते हैं जिसको आप लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। इस मौजू पे तीन बातों को लिटरेचर रिव्यू में आपने एक्सप्लेन करना है, आपके टॉपिक में मौजूद वेरिएबल्स के मतलब क्या है, यानी आप उनको किस मीनिंग में इस रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्टडी का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, यानी आपने जो फिनोमेना स्टडी करना है उसकी बुनियाद आप कहां से ड्रॉ करते हैं ये वजाहत कर देंगे, और फिर इसके बाद आप उस पे मौजूद कंटेम्प्रेरी रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उस पे जो मौजूदा रिसर्च है वो कहां पहुंची है, तो आप इन तीन चीजों को बयान करके उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो कमियां या वो सिमतें आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें अभी मजीद काम करने की जरूरत है। यहां से आपके रिसर्च का अगला सेक्शन फिर शुरू होगा। इसके अलावा जो एक और चीज लोग लिखते हैं वो इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप बुनियादी तौर पर ये ले डाउन करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज इस रिसर्च में की जानी है उन एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या होगा, आपने किस तरह से कंसेप्चुलाइज कर रखा है अपनी इस पूरी रिसर्च को। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उस फिनोमेना की थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है, ये एक अलहदा चीज है,
और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये चीज है कि आप अपनी एक्टिविटीज को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ये 5-6 चीजें जो है जब आप लिखते हैं तो हम इस सेक्शन में ये आपकी प्रपोजल का पहला हिस्सा बन गया। आपकी रिसर्च प्रपोजल के इस हिस्से में इन बातों की वजाहत से लोगों को आपके टाइटल और उससे मुतल्लिका वेरिएबल्स, उनका फिनोमेना, सब्जेक्ट्स, इन चीजों की समझ आती है कि आप क्या करने जा रहे हैं।